उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणगढ़ गांव में शौचालय के लिए जा रही महिला को उसी की देवरानी ने मामूली विवाद को लेकर लोहे की रोड से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि रेवती थाना क्षेत्र के नारायणगढ़ गाँव की निर्मला देवी पत्नी सुरेश गौड अपने 6 भाइयों के साथ एक ही घर में रह रहे थे कि सुबह निर्मला देवी शौचालय के लिए घर से बाहर जा रही थी। कुछ ही दूरी पर पहुंची होगी कि अचानक उसकी देवरानी ने उसके ऊपर लोहे की रॉड से पीट पीट कर जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं घटना स्थल पर पहुंची मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। गांव नारायणगढ़ इसके क्षेत्र के अंतर्गत ये 6 भाई एक साथ रहते हैं, तो उसमें से एक भाई की पत्नी शौच के लिए संभवतः जा रही थी, ये सुबह 6 के आसपास की बात है। तो उन्हीं की देवरानी ने उनको रॉड से प्रहार किया, जिससे उनको चोटें आई, गंभीर रूप से घायल हुई और उनकी मृत्यु हो गई है। ये घटना इन भाइयों के घर के काफी नजदीक एक ईंट का चट्टा है, वहीं पे संभवत मृतका बैठी थी शौच करने या बाथरूम करने, उसी दौरान ये घटना हुई है। पूर्व में जमीन संबंधी कोई विवाद नहीं प्रकाश में आया है और ये घटना बिल्कुल तात्कालिक प्रतीत हो रही है, जैसा कि चश्मदीद गवाहों ने भी बताया है। अग्रिम विधिक बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट।